हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 अपन करेंगे। लास्ट वीडियो अपन क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए थे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका। आपसे पूछ रहा है कि इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स देयर जीरोज आर गिवन, फाइंड ऑल अदर जीरोज। यानी कि निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्यक, ये शून्यक यानी जीरोज दिए हुए हैं, बट और भी शून्य, अन्य सभी शून्य और निकालो, और कितने इसके जीरोज आ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ भी चुका और आएगा। अब देखो बच्चे, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले पूरी बात को ध्यान से सुनना कि हमें गिवन है दो जीरोस, रूट टू एंड माइनस रूट टू, और अदर और फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन थोड़ी थ्योरी लिखेंगे। हियर रूट टू एंड माइनस रूट टू आर जीरोज, आर टू जीरोज, आर टू जीरोज ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। चल मतलब हिंदी वाले बच्चों के लिए, यहाँ रूट दो वे माइनस रूट दो, दो शून्यंक सॉरी दिए गए बहुपद के दो शून्यंक हैं, ये बात लिखनी है आपको। चलो, क्योंकि हमें गिवन थी तो अपन ने लिख दी। देन देखो, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। इसने कहा कि ये एंड ये इसके जीरोज हैं। इसका मतलब, जीरोज का मतलब क्या होता है? इट मीन्स एक्स की जगह अगर मैं एक बार रूट टू रखूँ इस क्वेश्चन में, तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। और देन एक्स इज माइनस रूट टू रखूँ तो भी ये पूरा जीरो हो जाएगा। कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, मैं चेक करवाता हूँ एक बार। ये हालांकि जो मैं अब जो लिखने जा रहा हूँ आपको उतारना नहीं, वो समझने के लिए कि ये जो रूट टू है इसको इस क्वेश्चन में रखूँ मैं, अगर टू एक्स की जगह रूट टू रख रहा हूँ, पहले ध्यान रखना, टू का टू एक्स फोर, एक्स इज के रूट टू का फोर माइनस थ्री रूट टू का क्यूब माइनस थ्री रूट टू का स्क्वायर प्लस सिक्स रूट टू माइनस टू। बच्चे बहुत ही लॉजिक के साथ कराऊंगा मैं, आपको पता चलना चाहिए कि जीरोस का मतलब क्या है। तो पहले हमें ये पता करते हैं कि क्या ये इसकी बात राइट है कि रूट टू अगर इसमें मैं एक्स रख देता हूँ तो ये पूरा जीरो का जीरो, जीरो हो जाएगा पूरा। देखते हैं होता है क्या। टू का टू रूट टू का फोर टाइम्स, इसका मतलब बच्चे रूट टू को जब चार बार लिखा जाता है ना, तो देखो क्या आता है, रूट टू इंटू रूट टू ओनली टू, रूट टू इंटू रूट टू ओनली टू, और टू टू जा फोर। मतलब क्या सोल्यूशन आया, रूट टू का फोर क्या होता है, फोर माइनस थ्री का थ्री, और रूट टू का क्यूब मतलब तीन बार, तो रूट टू इंटू रूट टू ओनली टू, और टू को जब रूट टू से करोगे तो टू रूट टू। कहने का मतलब इस रूट टू का क्यूब क्या आ गया, टू रूट टू, ध्यान से समझना। माइनस थ्री का थ्री और रूट टू का स्क्वायर ओनली टू, प्लस सिक्स रूट टू माइनस टू का टू, देखते रहो, टू फोर जा एट माइनस थ्री टू जा सिक्स, ये हो गया सिक्स रूट टू माइनस, ये हो गया सिक्स, ये प्लस सिक्स रूट टू, ये माइनस टू। देखो बच्चे बड़ा आसान है, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, आठ का आठ माइनस का सिक्स और माइनस का टू माइनस का आठ कट के जीरो हो गया। मैं आपको यही बताना चाह रहा था, इसका मतलब हम एक्स की जगह प्लस का रूट टू जब रखते हैं तो ये जीरो हो जाता है, इसका मतलब ये वाला जीरो इसका सही है। दूसरा है, एक्स की जगह अगर माइनस रूट टू रखा जाए तो भी जीरो हो जाएगा, ये यूं कह रहा है। चेक करते हैं, आओ इधर, टू एक्स की जगह माइनस रूट टू का फोर माइनस थ्री माइनस रूट टू का क्यूब माइनस थ्री माइनस रूट टू का स्क्वायर प्लस सिक्स, या माइनस का रूट टू और माइनस का टू। देखो बच्चे, टू का टू माइनस टू का फोर तो आपको पता ही, जो इसका होगा वही होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले माइनस लगा दो चार बार, क्या फ़र्क पड़ता है, माइनस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस, यानी कि क्या आंसर आया, आठ छोर चार, चार आएगा प्लस का माइनस, रूट टू का क्यूब क्या होता है बच्चे, माइनस का टू रूट टू। जब माइनस के टू रूट टू को लिख देता हूँ, चलो माइनस का टू रूट टू और थ्री का थ्री बार,
ये माइनस का थ्री का माइनस का थ्री और माइनस रूट टू का स्क्वायर ओनली टू, और इन दोनों का ये प्लस का ये माइनस का, तो ये हो गया माइनस का सिक्स रूट टू और माइनस टू का माइनस टू। बहुत ही ध्यान से समझना, ये हो गया एट, ये माइनस का जब इसके साथ मल्टीप्लाई में हो गया तो प्लस का सिक्स रूट टू हो गया, ये माइनस सिक्स हो गया, ये माइनस का सिक्स रूट टू हो गया, वो माइनस का टू हो गया। देखते रहो बच्चे, सिक्स रूट टू प्लस का सिक्स रूट टू माइनस का, ये बचा आठ, ये माइनस का चार, ये माइनस का दो, ये हो गया माइनस का आठ। इट मीन्स ये भी जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स इज के रूट टू रखने पर भी जीरो हो रहा है और एक्स इज के माइनस रूट टू रखने पर जीरो हो रहा है। बहुत बड़ी बात है, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए करा था, बाकी सोल्यूशन में आपको ये नहीं करना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक्स इट मीन्स एक्स की जगह रूट टू भी रखा जा सकती है और एक्स की जगह माइनस रूट टू की वैल्यू भी रखी जा सकती है, ठीक है। हाँ बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की जगह एक्स बराबर रूट टू कॉमा एक्स बराबर माइनस रूट टू कैसे हुआ, चेक करके मैंने बता दिया कि एक्स की जगह रूट टू भी रखा जा सकता है और एक्स की जगह माइनस रूट टू भी रखा जा सकता है। देखो बिकॉज ये जीरोज हैं। अब देखना, आप इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल्स टू रूट टू, इसको लिखा जा सकता है x माइनस रूट टू, समझ में आ रही है, बिकॉज रूट टू को जब अंदर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। इसको लिखा जा सकता है x प्लस रूट टू, ये दो फैक्टर बन गए, इसकी हेल्प से अपन ये दो फैक्टर बना सकते हैं। अब ध्यान से समझना, ये दो फैक्टर कैसे बने, क्या बने, वो समझ में आ गया होगा आपके। अब इन दोनों की हेल्प से अपन को इसके अदर जीरोज भी निकालने हैं, तो देखो कैसे निकलेंगे। हाँ हाँ, नाउ एक्स माइनस रूट टू, एक बार माइनस के साथ लिखना है और एक बार प्लस में लिखना है, इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई अपन को करवाना है। एक्स ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और आपको बताइए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और रूट टू का स्क्वायर ओनली टू। इट मीन्स ये हुआ कि अगर ये एक्स की बराबर माइनस दो, मतलब एक्स माइनस रूट टू फैक्टर बन गया था, एक्स बराबर माइनस रूट टू रख सकते हैं, इसका मतलब एक्स प्लस रूट टू फैक्टर बन गया था। अगर ये दोनों इसके फैक्टर हैं, और फैक्टर होने का मतलब समझाई देता मैंने आपको कैसे, कि एक्स की वैल्यू रखने पर जीरो जो आ जाए तो वह फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो ये भी इसका फैक्टर है। इट मीन्स ये अगर इसका फैक्टर है तो डिवाइड करके चेक करेंगे अपन क्या इसके फैक्टर हैं, अगर तो गारंटी है इसका इसमें डिवाइड करने से रिमाइंडर जीरो आएगा, बिकॉज ये भी इसका फैक्टर है। तो आप लिख देना, इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये जो हमारा सॉल्यूशन आया था उसको लिखना है, इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। लिख देना, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस दो भी दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। मुझे बहुत बढ़िया सी बात है, मैं चाहता तो डायरेक्ट ही लिखवा देता, एक बार प्लस में एक बार माइनस में एक्स के साथ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन चीज़ कहाँ से आ रही है, क्या जीरोज होते हैं, इसलिए मैंने बताया। बाकी सोल्यूशन आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, जो पहले अपन ने किया था वो सिर्फ समझाने के लिए था। इसके बाद देखो, अगर ये इसका जीरो है, इट मीन्स नाउ डिवाइड। अब अपन भाग करेंगे किसका, इसका, ये हमारा जी एक्स बन गया और ये हमारा एफ एक्स तो है ही। तो देखो, नाउ डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस टू, जो इसके फैक्टर से निकल के आएगा उसका आपको इसमें डिवाइड करना है बच्चे। टू एक्स फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी ध्यान से समझना, सिंपल है, अभी तक कोई दिक्कत है बताओ, वापस रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले जो गिवन चीज़ थी लिख दो, देन उसके बाद में ये, इसका मतलब ये होता है कि ये एक्स के बराबर में है दोनों, बिल्कुल लिख दो एक्स बराबर ये है, तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं जब इसको अंदर लाते हैं तो इसका, ठीक है, बराबर जीरो एक ही बात है, अंदर ले आए तो ये ऐसा हो गया। इट मीन्स अब इन दोनों का मल्टीप्लाई अपन को करना है क्योंकि दोनों फैक्टर है, दोनों फैक्टर से हमें ये चीज़ निकालनी है, और ये जो है हमारे जी एक्स का काम करेगा और जी एक्स का डिवाइड करना है एफ एक्स में, जो इसका आंसर आएगा उसके बाद बताता हूँ। पहले समझो,
एक्स स्क्वायर से टू एक्स फोर कब आएगा, एक्स स्क्वायर से टू एक्स फोर कब आएगा। सबसे पहले इसको देखो कितनी कमी है इसके साथ में, कि एक तो टू की कमी है, एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स फोर चाहिए, देखो डिटो लाना अपन का एजेट इज, तो टू की कमी है और एक एक्स स्क्वायर की कमी है, टू एक्स स्क्वायर। अब बारी बारी मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, जब टू एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो टू एक्स फोर, और जब टू एक्स स्क्वायर को माइनस टू से किया जाता है तो माइनस का फोर एक्स स्क्वायर, इसके नीचे नहीं इसके नीचे लिखा जाएगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है। आओ साइन चेंज करो, कट गया। क्यूब की वैल्यू पहले उतरेगी, माइनस का थ्री एक्स क्यूब, अब ये प्लस का फोर एक्स स्क्वायर, ये माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर, प्लस का वन एक्स स्क्वायर बचा, बाकी एज इट इज। चलो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस का थ्री एक्स क्यूब है, हमें एज इट इज चाहिए, तो इसको देखो इसमें कितनी कमी है। देखा तो एक तो एक्स की कमी है, बिकॉज एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब चाहिए ना, एक्स की कमी है, एक माइनस थ्री और चाहिए तो माइनस थ्री और लिख दो, यानी माइनस थ्री एक्स की कमी है। अब माइनस थ्री एक्स को बारी बारी मल्टीप्लाई कर दो, जब माइनस थ्री एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो माइनस का थ्री एक्स क्यूब हो गया, और जब माइनस थ्री एक्स को माइनस टू से करेंगे तो प्लस का सिक्स एक्स। ठीक है, साइन चेंज करो, प्लस माइनस ये कट गया। अब देखो इसको लिखेंगे अपन, पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखी जाएगी बिकॉज इसकी पावर ज़्यादा है, एक्स स्क्वायर ये कट गया माइनस टू, ये वाला माइनस टू, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस टू, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस टू, जब दोनों तरफ सेम टू सेम वैल्यू हो तो हमेशा वन लेना है। प्लस वन क्यों लिया, बिकॉज साइन भी सेम है इसलिए प्लस वन, अगर हमें यहाँ माइनस का चाहिए होता तो वन माइनस का रख लेते, तो ये आ गया अपना एज इट इज। वन को जब एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स स्क्वायर, जब वन को माइनस टू से किया तो माइनस टू, साइन चेंज हो गया, ये माइनस का प्लस का कट गया, जीरो आ गया। और ये अपन ने पहले ही कह दिया था कि अगर ये चीज़ इसकी फैक्टर है, एडमिशन रिमाइंडर जीरो आएगा, ये पक्की गारंटी। अब सुनना मेरी बात, इसके बाद इतना करने के बाद आपको और सॉल्यूशन करना है, अपन यहाँ कर देते हैं, मुझे जगह का इश्यू है। ये जो आंसर आया हमारा टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, ये हमें जीरो निकाल के देगा। तो देखो इसको करना बड़ा आसान है, आप इसको, ये इसका फैक्टर है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लो। देखो इसको अपन लिख सकते हैं टू एक्स स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई, टू एक्स स्क्वायर थ्री एक्स को ऐसे दो टुकड़े करो कि दोनों के टुकड़े को जब ऐड करूँ तो माइनस का थ्री एक्स हो जाए, और मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस का टू एक्स स्क्वायर हो जाए। तो बड़ा ईजी है, माइनस का टू एक्स ले लो और माइनस का एक्स ले लो, उनका वन। देखो जब माइनस के टू एक्स को और माइनस के एक्स को जब ऐड करते हैं तो माइनस का थ्री एक्स हो रहा है, जब इन दोनों टुकड़ों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस और टू एक्स स्क्वायर, बिकॉज जो कि इसका टू एक्स स्क्वायर आना चाहिए था, ठीक है आ रहा है। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, टू एक्स, अंदर क्या बचा, टू से टू कट गया, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स लगे तो पीछे एक्स बचा, टू एक्स से टू एक्स वन टाइम। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ जो साइन है वो साइन लगाना है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वन लेना है, और बाकी एज इट इज। देखो ये माइनस वन जब माइनस एक्स से टकराया तो एक्स प्लस का हो गया, जब ये माइनस वन प्लस वन से टकराया तो माइनस वन, टकराने का मतलब डिवाइड करें अपन बारी बारी, ठीक है। एक बार बाहर जो कॉमन लिया था वो लिख दो, टू एक्स माइनस वन, और एक बार एक्स माइनस वन, ये बाकी बराबर में जीरो के साथ आप कंपेयर करवा सकते हो, बिकॉज इसका जीरो। अब देखो फैक्टर है, अब एक बार इसको जीरो के साथ, यानी कि टू एक्स माइनस वन बराबर जीरो, एक बार एक्स माइनस वन बराबर जीरो, यानी कि टू एक्स बराबर वन हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी एक्स बराबर वन अपॉन टू, ये एक्स बराबर प्लस का वन। इट मीन्स एक्स की वैल्यू दो आई, वन अपॉन टू एंड वन, इसका मतलब उसने पूछा क्या था हमसे, किसके दो अदर जीरोज निकालो, तो आप लिख देना देयरफॉर टू अदर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स क्या है, वन अपॉन टू कोमा वन, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे, अतः दो अन्य शून्यंक होंगे वन अपॉन टू कोमा वन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बट ध्यान से समझ के करना, फिर बहुत इजी लगेगा। स्टार्टिंग में ध्यान रखना कि ये जो जिसके जिसके जीरोज हैं उसको एक्स के बराबर रख के मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है, बड़ा आसान है। हाँ सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट इस तरीके से है, एफ एक्स दे रखा है एक्स फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन थर्टी एक्स माइनस थर्टी फाइव,
और इसके जो जीरोस दे रखे हैं वो दो दे रखे हैं। इससे आप कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब ये है बच्चे कि एक बार 2 + √3 है कोमा एक बार 2 - √3 है, ये दो जीरोज आपको गिवन है। मतलब यहाँ प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि एक बार 2 + √3 एक बार 2 - √3। बहुत आसान है, सबसे पहले सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं, तो वही थ्योरी लिखेंगे अपन जो पहले लिखी थी। हियर 2 + √3 एंड 2 - √3 आर टू जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। बिल्कुल, मतलब यहाँ 2 + √3 तथा 2 - √3 दिए गए बहुपद के शून्यंक है। ये बात अपन को लिखनी है। अब बारी बारी, अब बार वही एक्स के साथ कंपेयर करवाना है। मतलब एक्स बराबर ये है, एक्स बराबर ये, इट मीन्स एक्स बराबर 2 + √3 है और एक बार एक्स बराबर 2 - √3। ये बहुत ज़्यादा आसान है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, मैं इसका प्रूफ बता चुका आपको फर्स्ट क्वेश्चन में। अपन सोल्यूशन डायरेक्ट करेंगे, एक बार एक्स इसको जब मैं अंदर लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा बट ब्रैकेट आएगा। बच्चे ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये ऐसा मान लो कि ये ऐसा है, जब ये इधर आएगा, ध्यान रखना जब ये बराबर के इधर आएगा तो यहाँ माइनस लगाना है। कहने का मतलब 2 भी माइनस का हो जाएगा और √3 भी माइनस का हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट लगा दो। ऐसा ब्रैकेट लगाने का मतलब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, बिकॉज बाहर माइनस है। और बाहर माइनस क्यों आया कि इनको जब अपन अंदर भेजा तो ये माइनस के हो गए। ऐसे ही इसको भेजो, देखें एक्स ये ऐसा है सपोज, इसको अंदर लाओ एज इट इज, तो ये हो जाएंगे माइनस का और बाकी वही 2 - √3। फर्क क्या आया है, तो दोनों में बाहर तो माइनस लेकिन अंदर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा दो या मीडियम ब्रैकेट भी लगा सकते थे। अब बच्चे इसका अपन ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, यानी कि एक्स ये जब अंदर मल्टीप्लाई, सॉरी जब जाएगा अंदर, तो ये 2 माइनस का हो जाएगा और √3 भी माइनस का हो जाएगा। चलो ये तो इसका सोल्यूशन हो गया। इसकी अपन सोल्यूशन अगर बात करें तो एक्स ये माइनस का 2 हो गया और प्लस का हो गया √3, बिकॉज माइनस माइनस प्लस। अब ध्यान से समझना बच्चे, इसको अपन ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। देखो सपोज मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, ए मान लूँ बी मान लूँ, तो देखो इस पूरे की वैल्यू को ए मानना, एक्स माइनस टू ए माइनस बी, ए प्लस बी, कहने का मतलब है ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, जो क्या होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और मैं बात करूं ए क्या रखा हमने हियर, यानी यहाँ ए बराबर हमने रखा है एक्स माइनस टू और बी की वैल्यू हमने रखी है बच्चे √3। ये ध्यान से समझना ठीक है। चलो ये अपन को यहाँ पर एग्जाम में दिखाया गया जाना है कि हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। चलो अब हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसमें वैल्यू पुट करानी है। ए की वैल्यू हमने क्या मानी, एक्स माइनस टू, यानी एक्स माइनस टू का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है, बताओ लिखा जा सकता है ना। ओके अब देखो, अब ये लिखने के बाद एक्स, अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लो आप, ए माइनस बी का स्क्वायर लग रहा है यहाँ पर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस √3 का स्क्वायर, ओनली 3, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 * 4, यानी कि 4x - 3। क्या निकल गया बच्चे, एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर के बाद में एक्स की वैल्यू लिखनी है अपन को, तो इसको इधर लिख दो, चलो कोई बात नहीं। और 4 में से 3 चला गया तो प्लस का 1, चलो ये बड़ी चीज़ निकल के आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 1। इट मीन्स का मतलब अर्थार्थ एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 1 जो हमने उसमें थ्योरी लिखी थी वही वापस लिखनी है, इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यानी कि अर्थार्थ एक्स स्क्वायर माइनस 4x1 भी एक दिए हुए
बहुपद का फैक्ट गुणनखंड है, ये अपन को थ्योरी लिखनी है। चलो अब अपन करेंगे इसका आगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। अब इसने कहा बच्चे कि उसमें अपन ने क्या किया था, जो ये आया उसका इसमें डिवाइड किया था, इट मीन्स ये हमारा जी एक्स का काम करेगा। ओके, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन का डिवाइड करेंगे अपन, काफ़ी बड़ी वैल्यू है, इतनी सी दूर में नहीं आएगी। देखो एक्स फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 130x माइनस 35, ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ठीक है, सही उतार दी। अब देखना बच्चे इसका डिवाइड करेंगे। चलो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स फोर है, कितनी कमी है, एक्स स्क्वायर की कमी है। इसको देख के पता कर लिया, एक्स स्क्वायर को बारी बारी मल्टीप्लाई कर दो। जब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स फोर, जब एक्स स्क्वायर को माइनस के फोर एक्स से करेंगे तो माइनस का हो जाएगा फोर एक्स क्यूब, ठीक है ना, और जब एक्स स्क्वायर को वन से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, इसने कट गया। यहाँ माइनस का सिक्स एक्स क्यूब है, यहाँ प्लस का फोर एक्स क्यूब है, तो क्या बचा, माइनस का टू एक्स क्यूब। यहाँ माइनस का 26 एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस का 1 एक्स स्क्वायर है, तो ये हो गया माइनस का 27 एक्स स्क्वायर, बाकी एज इट इज प्लस का 138 एक्स माइनस का 35, ठीक है। चलो अब वापस आओ, इसको देखो, इसको देखो, किसकी कमी नज़र आई बच्चे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो एक तो एक्स की कमी है, दूसरी बात यहाँ पर माइनस टू चाहिए जबकि ये तो प्लस का है, तो एक माइनस टू की कमी, इट मीन्स माइनस टू एक्स ले लो, माइनस टू एक्स को बारी बारी मल्टीप्लाई, जब माइनस टू एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का टू एक्स क्यूब, जब माइनस टू एक्स को माइनस फोर एक्स से करेंगे तो प्लस का एट एक्स स्क्वायर, और जब माइनस टू एक्स को प्लस वन से करेंगे तो माइनस का टू एक्स। चलो साइन चेंज, ये प्लस माइनस प्लस, इसे कट गया, माइनस के 27 एक्स स्क्वायर और माइनस का 8 एक्स स्क्वायर, कितना हो गया माइनस का 35 एक्स स्क्वायर, ठीक है। इधर आ जाओ, ये प्लस, ये भी प्लस, ये हो गया प्लस का 140x और माइनस का 35, तो माइनस का 35, इसको देखो, इसको देखो, कितनी कमी नज़र आई, माइनस का 35 की कमी आई, ठीक, माइनस के 35 को एक्स स्क्वायर से किया तो माइनस का 35 एक्स स्क्वायर आ गया, और जब माइनस के 35 को माइनस के 4x से किया तो हुआ प्लस, और 35 फोर जब 140 और एक्स का एक्स, और जब माइनस के 35 को प्लस 1 से किया तो माइनस का 35, साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, सब खत्म, कट गया, जीरो है। और ये तो अपन ने पहले कह दिया था कि इसका फैक्टर है, अगर इसका फैक्टर है इट मीन्स रिमाइंडर तो जीरो आएगा। चलो अब हमें क्या करना है, इसके अदर जीरोज भी फाइंड करने, तो जो हमारा आंसर आया, आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 35, यह आया था बराबर जीरो। चलो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, माइनस का 35 आ रहा है। अब इसके दो ऐसे फैक्टर करो कि उन दोनों को प्लस माइनस करने पर तो माइनस का 2x आ जाना चाहिए, और दोनों का मल्टीप्लाई 35 हो जाना चाहिए, बड़ा आसान है, माइनस का तो 7x ले लो और प्लस का 5x ले लो, बाकी 35 का 35 बराबर जीरो। क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब 7x में से 5x ले जाएंगे तो माइनस का 2x बच रहा है, और 7 5 35 35 आ भी रहा है, सिंपल। तो इसके फैक्टर ये बनेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं अपन, दोनों में क्या कॉमन है बच्चा, एक्स, तो पीछे क्या बच्चा, एक्स माइनस सात, यहाँ जो साइन है वही साइन लगा दो, यस, दोनों में क्या कॉमन है, 5, अंदर क्या बचा, एक्स माइनस 7 बराबर 0। एक बार बाहर जो कॉमन लिखा था वो लिख दो, एक्स प्लस 5, एक बार जो कॉमन, एक्स माइनस 7 बराबर 0, यानी कि एक बार एक्स प्लस 5 बराबर 0 कंपेयर कराओ, एक बार एक्स माइनस 7 बराबर 0 कराओ, यानी एक्स बराबर माइनस 5 और एक्स बराबर प्लस 7, इट मीन्स दो आंसर आ गए, तो इसके दो जीरोस तो ये हो गए और दो ऑलरेडी दे रखे थे, तो लिख देना देयरफॉर, इसने पूछा ऑल अदर जीरोस, देयरफॉर ऑल अदर जीरोस आर, हिंदी में बच्चे लिख देना, अतः अन्य सभी शून्य अंक। अब एक साथ इनके साथ में हिंदी इंग्लिश साथ लिख देते हैं अपन, क्या क्या हुए, माइनस 5 कोमा 7 कोमा 2 प्लस रूट 3
कॉमा टू माइनस रूट थ्री, ये चारों आपको एक साथ लिख देना है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सारे ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना, ओके। हाँ, जिसका थर्ड पार्ट इस तरीके से है, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, इसके अंदर आपको एक ही जीरोस दे रखा है, माइनस टू बस। तो देखो आओ चेक करें, अपन लिखेंगे हियर माइनस टू इज ए जीरोज, इज ए जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ माइनस दो एक दिए गए बहुपद का शून्यंक है। चलो बड़ा सिंपल है, अगर ये माइनस टू है, इट मीन्स ये ऐसा हुआ कि x बराबर माइनस टू, मतलब x प्लस टू बराबर ज़ीरो, ये लिख सकता हूँ, मतलब ये हुआ x प्लस टू बराबर ज़ीरो। कहने का मतलब ये x प्लस टू एक ही ज़ीरो है, इट मीन्स अर्थात x प्लस टू इज ए फैक्टर, इज ऑल्सो फैक्टर, इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अतः x प्लस दो भी दिए गए बहुपद का शून्यंक, सॉरी गुणनखंड है, गुणनखंड है, फैक्टर का मतलब गुणनखंड। बड़ा आसान है, अगर ये इसका फैक्टर है तो इसमें डिवाइड जाएगा, और वो भी पूरा पूरा जाएगा। कहने का मतलब डिवाइड तो अपन यहाँ करेंगे बच्चे, x प्लस टू का डिवाइड कर रहे हैं अपन x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। चलो डिवाइड करते हैं इसका, यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर x है, कितनी कमी है इसके अंदर, इसके अकॉर्डिंग x स्क्वायर की कमी है। आ गया, बारी बारी मल्टीप्लाई करो, x क्यूब प्लस 2 से जब किया तो 2x स्क्वायर, साइन चेंज, ये माइनस से कट गया, 13x स्क्वायर में से माइनस का 2x स्क्वायर चला गया, तो प्लस का 11x स्क्वायर बचा, बाकी एज इट इज प्लस का 32x प्लस का 20 एज इट इज उतार दो। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर चाहिए, मतलब एक तो x की कमी है, एक 11 की कमी, 11x की कमी है प्लस की, बिकॉज यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस चाहिए, तो प्लस का 11x लिख दो, बारी बारी मल्टीप्लाई। जब प्लस के 11x को x से मल्टीप्लाई किया तो 11x स्क्वायर, और जब प्लस के 11x को 2 से किया तो 22x। चलो साइन चेंज कट गया, 32x में से 22x किया तो प्लस का 10x बच गया, और इधर 20 बच गया। इसको देखो, इसको देखो, किसकी कमी लगी लगी बच्चे, टेन की, प्लस का 10 और आ जाएगा, बारी बारी मल्टीप्लाई। जब 10 को x से किया तो 10x प्लस का ही आ गया, प्लस मत लगाओ चेक की बात है, और जब 10 को 20 से किया तो ये 20, साइन चेंज ज़ीरो। इट मीन्स ये हुआ कि ये इसका फैक्टर था तभी तो ज़ीरो आया, ओके। अब हम क्या लिखेंगे, जो हमारे आंसर आए थे नाउ, यानी कि अब एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 बराबर ज़ीरो, ठीक है। वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा है, 10x स्क्वायर आ रहा है, तो 11x के ऐसे फैक्टर करो कि उन दोनों को आपस में अगर ऐड करूं तो 11x हो जाए, और मल्टीप्लाई करूं तो 10x स्क्वायर हो जाए। बड़ा आसान है, पहला टुकड़ा 10x, दूसरा 1x, दोनों को ऐड करने से 11x हो रहा है, मल्टीप्लाई करने से इन दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा है 10x स्क्वायर, बाकी 10 का 10 बराबर 0, यानी कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो ले लो एक्स प्लस 10 बचा। इन दोनों में यहाँ जो साइन है वो लगाओ, इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 ले लो, वो एज इट इज आ जाएगा। एक बार बाहर वाला, यानी कि जो कॉमन लिया था एक्स और 1, एक बार इन दोनों में से एक्स प्लस 10 बराबर 0। इसके बाद इधर देख लो बच्चे, यानी कि एक्स प्लस 1 बराबर 0 और एक्स प्लस 10 बराबर 0, यानी कि x बराबर माइनस 1 आ गया, और यहाँ आ गया x बराबर माइनस का 10, तो दो जीरोज आ गए, तो लिख दो देयरफॉर ऑल अदर जीरोज, ऑल अदर जीरोज, यानी कि अतः
अन्य सभी शून्य अंक क्या क्या हो जाएंगे? एक तो माइनस वन कोमा माइनस टेन कोमा एक जो हमें दिया हुआ था माइनस टू, ठीक है। इस तरीके से इसके तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे, इसी मेथड से करना, कोई गलती नहीं होगी। ओके हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर फोर देखो, आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ो इसको आप अच्छे तरीके से। कि ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू बाय पॉलिनोमियल जी एक्स क्वोशंट क्यू एक्स रिमाइंडर आर एक्स आर ऑब्टेंड एज ए एक्स माइनस टू एंड माइनस टू एक्स प्लस फोर रेस्पेक्टिवली। ध्यान ये रखना कि जी एक्स एक्स माइनस टू है, क्वोशंट माइनस का टू एक्स प्लस फोर है रेस्पेक्टिव, देन फाइंड पॉलिनोमियल जी एक्स, तो जी एक्स की वैल्यू निकालो। अच्छा सुनना, ये जी एक्स नहीं है सॉरी क्यू एक्स तो ये है और आर एक्स ये है। क्वेश्चन हिंदी वाले बच्चे भी पढ़ लिया होगा, देखो जो जो गिवन है एक बार लिखते हैं। हिंदी वाले बच्चों ये बहुपद दिया हुआ है, जी एक्स से भाग देने पर आपको जो भागफल यानी क्यू एक्स ये रहा, आर एक्स ये रहा, ये मिलता है, तो बताओ जी एक्स कितना होगा। बहुत इजी सॉल्यूशन देखते हैं, देखो वी हैव हमें दिया है क्या दिया है बच्चे, क्वोशंट, क्वोशंट है हमारे पास, क्वोशंट है हमें कितना दे रखा है बच्चे, जिसको हम लिखते हैं क्यू एक्स है। हिंदी वाले बच्चे इसको लिख देना भागफल क्यू एक्स बराबर दे रखा है एक्स माइनस टू, ये अपन को दिखाना है। देन अगली लाइन में लिखेंगे अपन रिमाइंडर, ठीक है रिमाइंडर, जिसको हम दिखाते हैं आर एक्स से, ठीक है भाई। हिंदी वाले बच्चे लिख देना शेषफल, लेकिन ब्रैकेट में ये तो आपको लिखना ही है, ये हमें ये जैसे क्यू एक्स लिखा था वैसे इसको लिखना है, ये हमें गिवन है माइनस का टू एक्स प्लस फोर। चलो पर आपसे पूछ क्या रहा है, जी एक्स यानी कि जी एक्स, आपको पता है जी एक्स क्या होता है, डिवाइजर यानी कि भाजक, ये आपसे पूछ रहा है, बड़ा आसान है, लिखो यहाँ पर, यहाँ लिख दो बच्चे अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम, यानी कि एल्गोरिथम के अनुसार। तो बच्चे एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम जो हमने स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला लिखा था वो कौन सा, एफ एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारे एल्गोरिथम है। अब सुनना एफ एक्स ये एफ एक्स, तो लिख दो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ये तो एफ एक्स बराबर जी एक्स, तो जी एक्स तो निकालना, तो जी एक्स तो है भी नहीं, चलो मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स, क्यू एक्स हमने क्या माना था एक्स माइनस टू, अच्छा क्वेश्चंट एक्स माइनस टू, तो लिख देना एक्स माइनस टू प्लस आर एक्स रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या था ये रहा माइनस का टू एक्स प्लस का फोर। चलो अब देखो एक्स क्यूब माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का टू एज इट इज बराबर, अब देखना बच्चे जी एक्स एज इट इज एक्स माइनस टू, ये भी एज इट इज, ये मल्टीप्लाई का साइन है, एक ही बात है ना लगाओ तो भी, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये आ जाएगा टू एक्स प्लस फोर। अब देखना ये अपना माइनस में हो गया, क्योंकि ये प्लस माइनस है तो माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखना ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई है वो माइनस की अलग वैल्यू। अब ध्यान से समझना एक्स क्यूब का एक्स क्यूब माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर का माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का प्लस एक्स प्लस टू का प्लस टू, अब इनको इधर लाओ सबसे पहले, तो ये टू एक्स हो जाएगा प्लस का और फोर हो जाएगा माइनस का, इधर क्या बचा जी एक्स और एक्स माइनस टू का ये मल्टीप्लाई। अब देखो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर का माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का प्लस एक्स, अच्छा सुनो
यहाँ पर एक साथ ए के साथ काम कर दो, ये एक्स और ये टू एक्स, ये हो गया थ्री एक्स, ठीक है। ये टू और ये माइनस फोर, ये हो गया माइनस का टू, ठीक है, बराबर जी एक्स का जी एक्स। और जो ये एक्स माइनस टू इसके मल्टीप्लाई में था, ये जब इधर आएगा बच्चे तो आपको पता चल गया ना, ये डिवाइड में आ जाएगा। और इसको देखने से आपको कैसा लगता है कि यार एक्स माइनस टू का इसमें डिवाइड करना है, तो डायरेक्ट एलसीएम डिवाइड करो ना इसका, सीधा ही एक्स माइनस टू का डिवाइड करो ऐसे, जो आंसर आएगा वो जी एक्स होगा, ठीक है। यानी कि एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू। चलो इसको देखो, इसको देखो क्या कमी नजर आई बच्चे, एक्स स्क्वायर की कमी नजर आई। इस एक्स को इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब, जब माइनस टू को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का टू एक्स स्क्वायर, ओके साइन चेंज करो, कट गया। माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स स्क्वायर, माइनस का वन एक्स स्क्वायर, बाकी एज इट इज प्लस का थ्री एक्स माइनस का टू, ठीक है बच्चे। फिर इसको देखो, इसको देखो क्या कमी नज़र आई, इसके अंदर एक एक्स की कमी है और एक माइनस साइन की भी कमी है, तो माइनस साइन भी लगा दो, बारी बारी मल्टीप्लाई। जब माइनस एक्स को प्लस एक्स से किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, जब माइनस एक्स को माइनस टू से किया तो प्लस का टू एक्स, या प्लस या माइनस कट गया। ये ये प्लस का थ्री एक्स है, ये माइनस का टू एक्स है, तो प्लस का वन एक्स बचा और इधर माइनस का टू। अब यहाँ एक्स माइनस टू है, यहाँ भी एक्स माइनस टू है, तो अपन क्या ले लेंगे, जब सेम टू सेम होता है तो वन ले लेंगे प्लस का, बिकॉज साइन सेम टू सेम है तो प्लस का ही लेंगे। जब वन को इससे करोगे तो वन को जब एक्स से किया तो एक्स, और जब वन को माइनस टू से किया तो माइनस टू, ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी घट गया, ये भी घट गया, जीरो आ गया। इट मीन्स जो जी एक्स की वैल्यू आई बच्चे वो क्या आ गई, देयरफॉर जी एक्स बराबर आता है, जी एक्स बराबर क्या वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना, इसका जो गिवन पार्ट था लिख लेना, फिर ये एल्गोरिथम का फॉर्मूला लगाना, इसमें वैल्यू पुट करना, ऑटोमेटिक जी एक्स सेपरेट आ जाएगा और इसका डिवाइड कर देना, जो आंसर होगा वो जी एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। हाँ बच्चे, अपन 3.2 कंप्लीट हो गई थी, अपन अब अपन 3.3 करने जाएंगे। 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक, यानी कि निम्न समीकरणों की जांच कीजिए और बताइए कि ये कौन सा इनमें से द्विघात समीकरण है। इसमें 3-4 पार्ट दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, कैसे पता चलेगा। देखो बच्चे, अगर हमारा आंसर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अगर इस फॉर्मेशन में आ जाता है तो हमारा आंसर सही है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है एक एक्स स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए, एक एक्स की वैल्यू और कोई नंबर होना चाहिए, ये ज़रूरी है। एक्स स्क्वायर होना कंपलसरी, क्यूब या फोर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, एक बार सोल्यूशन देखो फिर आपके समझ में आने लग जाएगा। सोल्यूशन देखो, हाँ ये पोर्शन है लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्व करो। एक्स को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस जब वन से करेंगे तो एक्स, और प्लस एट का प्लस एट बराबर। यहाँ पर देखते ही पता चल रहा है कि जो राइट हैंड साइड इसकी, ये देखो राइट हैंड साइड भी इसकी ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि यहाँ पर एक फॉर्मूला काम कर रहा है बच्चे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर हालांकि सबसे बेस्ट तो यही होगा, लेकिन कोई बच्चा चाहता है कि नहीं मैं इसको ऐसा करना चाहूँगा कि एक बार एक्स को एक्स माइनस टू के साथ, एक बार टू को एक्स माइनस टू के साथ, तो भी कर सकते हो। इससे जब करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, इससे ये जब आएगा तो टू एक्स माइनस फोर, इससे कट जाएगा, तो सॉल्यूशन वही आना है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, लेकिन बेटर होगा आप इसको इस तरीके से करो, ठीक है, चाहो तो वैसा भी कर सकते हो। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एट बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू टू जा फोर। अब देखो ये एक्स स्क्वायर, उस एक्स स्क्वायर इधर ले आओ तो ये माइनस का हो गया, ये एक्स यहीं पर है बराबर, अच्छा आठ को इधर रहने दो, फोर को इधर ले आओ तो प्लस का फोर हो गया बराबर जीरो। बराबर में हमेशा जीरो बनाना है, ठीक है, बिकॉज हम इस फॉर्मेशन में आना चाहते हैं, ठीक है। इससे कट गया पीछे, क्या बचा, यहाँ तो बचा एक्स और यहाँ क्या बच गया बच्चे, एट और फोर ट्वेल्व हो गया, यानी कि एक्स प्लस ट्वेल्व बराबर जीरो इसका आंसर आया। क्या इसके अंदर एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू जिस क्वेश्चन के अंदर नहीं है, इट मीन्स वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। हाँ अगर ये इतना सा होता एक्स स्क्वायर
प्लस ट्वेल्व, अगर इतना सा भी होता तो भी आंसर हो जाता, भले एक्स की वैल्यू ना हो लेकिन एक्स स्क्वायर की वैल्यू होना कंपलसरी है, ठीक है। बट इसके अंदर तो नहीं आई, तो क्या लिखेंगे आप कि देयर फोर, इसने मुझे चेक द फॉलोइंग क्वेश्चन आर नॉट क्वाड्रेटिक, तो लिख देना देयर फोर इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये बच्चे एक्स्ट्रा पार्ट था आपको सॉल्यूशन में एग्जाम में इतना सा उतार के आना, ओके। हाँ बच्चे सेकंड पार्ट देखो इसका, एक्स प्लस टू का होल क्यूब है इजिकल टू एक्स क्यूब माइनस फोर। देखो बच्चे इसको अपन देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब लगेगा। मैं वो कुछ फॉर्मूलों की बात करता हूँ बच्चे, देखो ए प्लस बी का होल क्यूब तो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी और प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। बच्चे ये तो है होल क्यूब, लेकिन एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये अलग फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा माइनस ए बी, प्लस वाले में माइनस ए बी और जो माइनस होता है उस वाले में प्लस का ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। तो ध्यान रखना ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अलग है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अलग है, तो चारों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको अलग से लर्न करना, ठीक है। लेकिन अभी अपन जो लगाएंगे वो ये वाला लगाएंगे, यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब है, ओके। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब, यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप लिख सकते हो हियर, यहाँ ए को हमने माना है x और b को हमने माना है 2। चलो ऐसा हमारा क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू पुट करवानी है, ए क्यूब ए का मतलब x का क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी ए स्क्वायर इंटू बी, बी कितना है 2, ठीक है 3 का 3 है और प्लस 3 ए कितना x, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, चाहो तो ब्रैकेट भी लगा दो सही रहेगा। एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 होता है प्लस 3 टू जा 6 और एक्स स्क्वायर 6 एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 4, 4 3 जा 12 तो ये हो गया 12x, ठीक है बच्चे। अच्छा इजिकल टू जो चल रहा है वही चलेगा, एक्स क्यूब माइनस 4 यानी एक्स क्यूब माइनस 4। चलो क्यूब क्यूब एक तरफ करो, ये एक्स क्यूब उसको भी इधर लिया होता है, ये हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, फिर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 6 एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 12x, ये 8 अपनी जगह ही है बट 4 जब इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा बराबर 0। देखो इससे ये कट गया, पीछे क्या बचा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस ये हो गया 12 बराबर 0। आगे कुछ नहीं देखना, हमारी हमारा जो क्वेश्चन था हमें ये चेक करना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, द्विघात है क्या, बिल्कुल है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, एक्स है नंबर है, इट मीन्स ये है, यस ठीक है। हाँ बच्चे थर्ड पार्ट देखो इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इधर एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ तो साफ पता चल रहा है ए माइनस बी का स्क्वायर, ये भी आपको मैं लिख देता हूँ, ए माइनस बी का स्क्वायर अपना फॉर्मूला होगा बच्चे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी तरह ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सॉरी हाँ सही है प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गए इनके, और एक लास्ट फॉर्मूला हो जाएगा ये भी कभी कभी लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, मोस्टली इन फॉर्मूलों से आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, ठीक है ये अपने फॉर्मूले हो गए। चलो अब इस क्वेश्चन की तरफ आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x का प्लस 3x प्लस 1 का प्लस 1, इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, एज इट इज उतार दो इक्वल ए माइनस बी का स्क्वायर लग रहा है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ऐसा है उसमें वैल्यू पुट करानी है, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ए माइनस बी का स्क्वायर खोला अपने और कुछ नहीं करा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ 4 और एक्स 4x प्लस 4,
एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक तरफ कर दो, एक्स स्क्वायर इनको इधर लिया होती है माइनस के एक्स स्क्वायर हो गए, ये प्लस का 3x, इस 4x को इधर लिया हो तो ये 4x प्लस का हो गया, ये प्लस 1 और 4 को इधर लिया होते माइनस का 4 हो गया, बराबर 0, बिकॉज कुछ नहीं बचा इधर तो 0 हो गया, इससे ये कट गया, पीछे क्या बचा 3x और 4x, 7x और 1 में से 4 चला गया, इनकी माइनस का 3 बचा 0, क्या इसके अंदर एक्स स्क्वायर की वैल्यू है क्या? नहीं, तो लिख दोगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण नहीं है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, बिकॉज एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसके अंदर नहीं है। हाँ बच्चे, फोर्थ पार्ट देखो इसका, लास्ट पार्ट है इसका, वो यूँ कह रहा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और जहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, क्योंकि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर जीरो से होती है, तो इसको भी अपन उसी से कंपेयर करवाना है। एलसीएम ले लो आप वन, क्योंकि वो नीचे रख ही सकते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा एक्स, इसका एक्स मल्टी डिवाइड किया तो एक्स है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का एक्स में डिवाइड वन टाइम, वन को वन से किया तो वन प्लस वन का एक्स में एक्स, और एक्स को जब एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स क्यूब बराबर जीरो का जीरो। अब जीरो के नीचे वन रखो, क्यों रखो? बिकॉज अपन को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, तो जब इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इससे कराएंगे, जब वन को इससे कराएंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स क्यूब, और ये आएगा जीरो। यानी कि अपन चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पावर पहले एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो, लेकिन कैसे ही लिख दो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पर एक्स की पावर क्यूब है, स्क्वायर तो है मान गए, लेकिन क्यूब भी नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर से ज़्यादा कोई पावर नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स अपन क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, बिकॉज एक्स की पावर क्यूब इसकी 3 आ गई इसके अंदर। तो इस तरीके से अपन ने आज 3.2 कंप्लीट कर ली, 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक आप पढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।